भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत चीन सीमा संघर्ष के दौरान आईटीबीपी का गठन 24 अक्टूबर 1962 को भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करने के लिए हुआ था। शुरू में आईटीबीपी का नाम फ्रंटियर राइफल्स रखा गया था। गुरिल्ला फोर्स के रूप में आईटीबीपी का गठन केवल 4 बटालियनों के साथ हुआ था। इसमें स्थानीय सीमावर्ती इलाकों के जवानों को विशेष तौर पर भर्ती किया जाता था। माउंटेन वॉरफेयर में खास ट्रेनिंग और समर्पित सेवा भावना से आईटीबीपी ने देश के एक प्रमुख सुरक्षा बल के रूप में पहचान बनाई। आईटीबीपी ने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों के दौरान शौर्य का प्रदर्शन किया। वर्ष 1978 में आईटीबीपी का पुनर्गठन किया गया। इसी बीच आईटीबीपी को 1981 से लगातार वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा का सुरक्षा दायित्व सौंपा गया, जिसे बल निष्ठा से निभाता रहा है। आईटीबीपी को 1982 में नई दिल्ली में एशियन गेम्स और 1983 में राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन की सुरक्षा का महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपा गया, जिसे बल ने अति विशिष्ट ढंग से पूरा किया। एसपीजी और एनएसजी की स्थापना से पूर्व कई वीआईपी सिक्योरिटी का दायित्व आईटीबीपी ने संभाला था। आईटीबीपी को 20 जून 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कुल्लू में फोर्स कलर्स प्रेजेंट किया और इसके साथ ही बल में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 1987 में आईटीबीपी का विस्तार भी हुआ और इसे आतंकवाद प्रभावित पंजाब में बैंकों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया। श्रीलंका में जब एलटीटीई का सशस्त्र संघर्ष चरम दौर में था, तब 1988 से 2005 तक इंडियन हाई कमीशन ऑफ श्रीलंका की सुरक्षा का जिम्मा आईटीबीपी ने कोलंबो में बखूबी संभाला। कश्मीर घाटी में 1990 से 2004 तक तैनाती के दौरान आईटीबीपी ने बड़े आतंक विरोधी अभियानों में अपनी वीरता का लोहा मनवाया और कई सफल ऑपरेशन में खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया। साल 2004 में भारत सरकार की वन बॉर्डर वन फोर्स की नीति के अनुसार 3488 किलोमीटर की संपूर्ण भारत चीन सीमा की निगरानी का दायित्व आईटीबीपी को सौंप दिया गया। वर्ष 2009 के बाद से आईटीबीपी को छत्तीसगढ़ में क्रमशः राजनंदगांव, नारायणपुर और कोंडागांव में वामपंथ उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए तैनात किया गया। आईटीबीपी संयुक्त राष्ट्र मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही है। बल के कार्मिक अंगोला, नामीबिया, कंबोडिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोजाम्बिक, सूडान और कोसोवो में शांति मिशनों में तैनात रह चुके हैं। अफगानिस्तान में आईटीबीपी ने जरांज डेलाराम सड़क के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस भारतीय प्रोजेक्ट को सुरक्षा दी। आईटीबीपी ने 2002 से 2021 तक अफगानिस्तान के भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावासों की सुरक्षा की और कई फिदायीन हमलों को नाकाम किया। आईटीबीपी कांगो में लगभग 15 वर्षों तक शांति मिशन का हिस्सा रही और इसने 2005 से 2019 तक संयुक्त राष्ट्र के इस अभियान में इस अफ्रीकी देश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमालय क्षेत्र में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आईटीबीपी ने 7 रीजनल रिस्पांस सेंटर RRC स्थापित किए हैं। 70 के दशक में बेलाकुची अलकनंदा त्रासदी से लेकर 2021 में तपोवन की तबाही तक आईटीबीपी ने राहत और बचाव कार्यों की मिसालें पेश की हैं। 2013 में केदारनाथ में आई प्रलयकारी आपदा के दौरान बल के हिमवीरों ने जान की परवाह किए बिना 33,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान बचाई। कोविड-19 के दौर में आईटीबीपी ने पहल की और देश के पहले क्वारंटीन सेंटर और दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर को संचालित किया। खेलकूद और साहसिक गतिविधियों जैसे पर्वतारोहण, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, आइस हॉकी आदि में आईटीबीपी अग्रणी है। बल्कि स्कीयर्स ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई बार देश का प्रतिनिधित्व किया है। बल्कि हिमवीरों ने 4 बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर आरोहण कर देश का नाम रोशन किया है। आईटीबीपी ने 60 के दशक से ही हिमालय की चोटियों का सफल आरोहण करना आरंभ किया और बल ने अब तक 230 से ज्यादा पर्वतारोहण अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्षों में आईटीबीपी ने कई बड़े रिवर राफ्टिंग अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिनमें ब्रह्मपुत्र, काली, अलकनंदा, भागीरथी, नर्मदा नदियों में राफ्टिंग अभियान शामिल हैं।
वर्ष 2012 और 2015 में ITPP ने संपूर्ण गंगा रिवर राफ्टिंग अभियान का संचालन किया और देश को स्वच्छता का संदेश दिया। गणतंत्र दिवस परेड में ITPP के दस्ते को रिकॉर्ड 6 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ITPP के सुनहरे इतिहास को वर्ष 2020-21 में कलमबद्ध किया गया और किसी भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के विस्तृत इतिहास पर आधारित इस विस्तृत पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा ITPP अकादमी मसूरी में किया गया। अपने स्वर्णिम अतीत के उजाले में ITPP अपने मूल वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा के मूल वाक्य के साथ उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर है। जय हिंद।